दल तो है लेकिन दिल अलग अलग है उन लोगों का, और यहाँ उत्तर प्रदेश भारत का दिल है, और यहाँ हम 39 पार्टियाँ पूरे देश के लोग खाली इस समर्थन के साथ माननीय मोदी के साथ हैं कि राष्ट्र का विकास हो, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, तीसरे नंबर आ जाए, एक नंबर पहुँचें, जन कल्याण की नीतियाँ बने, जन गरीबों का कल्याण हो जाए। हम लोग राजनीति के लिए नहीं, इस देश के गरीबों की सेवा के लिए हम लोग NDA है। आज के दिन में घोसी उपचुनाव है, और जहाँ मछुआरा का बेटा खड़ा हो जाता है तो भगवान राम को त्रेता में पार उतारा था, उसमें चुनाव है तो निश्चित रूप से हमारी आबादी है, यही कम से कम 12 बस आए हुए हैं, चूँकि दुर्भाग्य था आज का संकल्प हमारा स्थापना दिवस था, तो कम से कम घोसी से 12 बस का मतलब 1200 लोग आ गए, अब 1200 लोग उतरेंगे तो 1,20,000 वैसे वोट दे देंगे, कहाँ जाएंगे वो सब। आज के दिन में देखिए हमें भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए, आज पूरी टीम यहाँ जाएगी, और एक एक मछुआ समुदाय के साथ साथ पिछड़ी जातियाँ जिनके लिए मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी जो योजनाएँ बनाई हैं, 9 साल बेमिसाल मोदी का तो है ही है, लेकिन हम मछुआरों का भी 9 साल बेमिसाल है, क्योंकि पर्यटक स्थल घोषित हो गया निषाद राज किले का, भगवान राम और निषाद राज गले लगे, मूर्ति लग गई 20 करोड़ 38 लाख, माननीय मोदी जी अमित शाह जी आने के लिए उसको उद्घाटन के लिए तैयार, अब जिस समुदाय पर इस देश दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री का हाथ जिसके नेता और समाज पर हो, तो नेता वो समाज कहाँ इधर उधर वोट देने जाएगा। ये सब जो दल मिल रहे हैं आपस में हम NDA के विरोध में, वो इस बात का प्रमाण कर रहे हैं कि देश में कोई ऐसा दल नहीं है जो अकेले मोदी से लड़ सकता है, अकेले जो है आज के दिन में NDA से लड़ सकता है, इसलिए ऐसा है। हम लोग पूरा का पूरा जीतेंगे, उपचुनाव भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश 80 सीट भी जीतेंगे, और जो लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग आए हैं कि 330 पार और 2024 में NDA की सरकार, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना था। देखिए शक्ति नहीं है, निषाद राज की भक्ति है, और निषाद राज के उस किले पर भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे, आज उस स्थापना दिवस पर एक मिट्टी आई है निषाद राज किले से, वो घर घर जाएगी और निषाद राज का चंदन लगाएगी, और जनता में जय निषाद राज भगवान श्री राम के उस जो आत्मीयता था, उस त्रेता में जो सुख का राज था वो बताएगी, और फिर इन मेहमानों को जो इनके हिस्से पर डकैती डाला था उन्हें हटाएगी, और जो निषाद राज भगवान राम जब मिले थे तो रात्रि विश्राम किए थे, अब भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हो उनके सीने पर कोई किला कोई मस्जिद बन जाए, हरे रंग का झंडा है, तो वो चंदन वो मिट्टी ले जाके घर घर बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप इकट्ठा हुए, जिस तरीके से एकता बनी, तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, और अयोध्या में आज राम मंदिर बन के खड़ा है, उसमें भी निषाद राज की मूर्ति लग रही है, तो आप सब लोग एक हो जाओ, और एक होते ही अपने आप मस्जिद हट जाएगा और निषाद राज का किला बन जाएगा। इस संकल्प आज का जो स्थापना है, ये स्थापना ये विस्थापित लोग हैं, अंग्रेजों मुगलों के द्वारा विस्थापित लोग हैं, आज ये स्थापित हो रहे हैं भारतीय राजनीति में, आज ये हमें तय हो गया कि पूरे प्रदेश के साथ साथ और भी प्रदेशों से जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से तमिलनाडु से तेलंगाना से आज के आंध्र प्रदेश से उत्तराखंड से दिल्ली से राजस्थान से बिहार से और तमाम जगहों से आए हुए हैं, ये सारे कार्यकर्ताओं का हम आज के दिन में संकल्प एक ही है कि घर घर जय निषाद राज जाएगा और तब जाके इस देश में सुख का राज आएगा, और आज के जो स्थापना दिवस है हम अपने को सौभाग्यशाली हैं कि मोदी तक पहुंचाने में जिन लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई थी आज उन्होंने दिल में अपनी जगह दिखा दिया कि आकर भरी गर्मी में भरी बरसात में दूर दूर से कल के चले हुए हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, मैंने इतने कहा पगुआ चाहिए क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं पावर चाहिए, तो उन्होंने कहा पगुआ कै घंटा कहे 5 घंटा और पावर मतलब 5 साल होता है, तो 5 साल का मतलब बेमिसाल है, इसलिए आज के दिन में हम लोग सरकार के साथ हैं, और धीरे धीरे इनको पता हो गया है कि अगर कुछ भी होगा जितने आरक्षण के मुद्दे हैं मोदी हल करने वाले हैं, इनके नीत बनाने मोदी कुछ भी देने वाले हैं वो सब मोदी हैं, और नीतियां बन रही हैं, जब इनके सुख इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बन रही है, निषाद राज किला बन रहा, तो सारी व्यवस्था भी हो जाएगी, और विपक्ष के मुँह पर जो छोटे मोटे एकता आज के दिन में जो एकता है वो एकता में आज का जो एकता है ये प्रदर्शित करता है कि हमारी यूनिटी में स्ट्रेंथ है, और मतलब जो शक्ति है जो एकता में ही शक्ति है
और शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। मैंने बताया बताया कि ये अपने खून की भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था, फिर से हम अपने अधिकारों को लेकर